ओके। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10th फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन इज एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। बाकी चीजें इंफॉर्मेशन लिखी गई, उससे कोई मतलब नहीं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहा। तो हम लोग दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी एक्स आर एंड एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, उससे 11 ज्यादा, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेशन दिया है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ये दोनों लाइन आपके समझ में आ गई, दोनों की स्पीड हमको मिल गई। अब हम डिस्टेंस देखें कि मैसूर से बेंगलोर के बीच में डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। अब इतना डिस्टेंस ये भी ट्रेन ट्रेवल करेगी और इतना डिस्टेंस ये भी दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन भी ट्रेवल करेगी। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे, क्योंकि दोनों में दिया गया है, जो डिफरेंस दिया गया है 1 घंटे का डिफरेंस है, तो हमको टाइम चाहिए। तो टाइम का फार्मूला आपको याद होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन स्पीड। ओके, अब हम लिखेंगे इस फार्मूले से टाइम टेकन बाय कौन सी पैसेंजर ट्रेन। मतलब पैसेंजर ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगी, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, आर्थिक ने बहुत सही बताया, 132 बाय एक्स। आगे क्या लिखेगा आर्थिक, यूनिट नहीं, यूनिट में आर। यस, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू, इसको कौन बताएगा, हाँ बताइए आयुषी। 132 बाय एक्स प्लस 11 आर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको अपने तराजू पर रखेंगे दोनों, और ये जानते हैं कि एक कम है एक ज्यादा, एक टाइम कम लगाएगा एक टाइम ज्यादा लगाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम लगाएगी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड इससे कम है तो इससे ज्यादा टाइम लगाएगा। ओके, तो पहले हम दोनों के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम यहां पर लिखते हैं क्या, ये 132 अपॉन एक्स और 132 अपॉन एक्स प्लस 11। अभी भी इक्वल नहीं है, लेकिन हम थोड़ी देर के इक्वल लगा लेते हैं, ये मालूम है कि दोनों अभी बैलेंस नहीं है। 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, ये हमारी इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में दिया गया, तो 1 घंटा किधर हम ऐड कर दें, क्योंकि दो ये भी आर्स है ये भी है टाइम है दोनों, तो 1 घंटा किधर ऐड कर दें कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाँ बताओ बेटा कितना, किधर, राइट साइड। इन्होंने कहा कि सर यहाँ पे ऐड किया, आप बताइए राइट साइड में ऐड किया जाए, कितने लोग कर रहे हैं, रेज योर हैंड, राइट साइड में, यहाँ क्लियर है एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप समझ गए, आप समझ गए कि सर न्यूमरेटर तो सेम है, ये डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, कल हमने समझाया था कि डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम आएगी, करेक्ट, फ्रैक्शन छोटी होगी, इट मींस अगर 1 आप इधर ऐड कर दोगे तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती समझने में ना। अब दिस इंप्लाई 132 बाय एक्स माइनस 132 बाय एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। कई बच्चे कई स्टूडेंट्स ये लाइन नहीं लिखते, डायरेक्ट इसको लिखते हैं, अगर आप जब स्मार्ट हो जाओगे तो आप भी ऐसे लिखा करोगे, पता है कि ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा में से कम सेपरेट का इक्वल टू, जितना डिफरेंस रहेगा इक्वल टू लिख दिया करेंगे, तो इसके बाद लिखो या इसको डायरेक्ट लिखो कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर हो गई पिक्चर। आगे बढ़ जाए बेटा, ये देखो नीचे आ रहा है, नहीं सर
यहाँ तक आ रहा है ना, इधर नहीं आ रहा, x और x plus 11, ये नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, थोड़ा सा आगे, अब नीचे ना लिखे ना। अच्छा, अब हमारे पास स्पेस कम है थोड़ा सा, अब इसी में हमको लिखना है, नहीं तो रख कर देंगे। ध्यान से देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम सभी को पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, क्या होगा, x into x plus 11। न्यूमरेटर में बता दो बेटा क्या होगा, 11। न्यूमरेटर में बताओ, आप बता सकते हो न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा, श्रेया आप बताओ। 132 into x plus 11 -132x। अच्छा, अभी आपको श्रेया, मैंने इसमें कुछ गलत लिखा है, आप देखो एकदम करेक्ट लिखा है, एकदम सही। यस, यहाँ पर इनटू का मतलब ऐसे लिखेंगे तो सही नहीं है, इसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बाइनोमियल है, दोनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए, वैसे एक में दिखेगा। बहुत बढ़िया, दिस इंप्लाइज 132x प्लस 11 इनटू 132, बताइए कितना हुआ, मल्टीप्लाई करके जल्दी बताइए। 1452। बहुत बढ़िया, पहले एक चीज यहाँ सुधार कीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया था, एक्स आठ लिखा था, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये यूनिट यहाँ पर गलती से लिख दिया था, एक्स आर स्पीड किलोमीटर पर आवर में, यहाँ तो सही लिखा था, यहाँ पर करेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, हाँ जी, अपान अपान इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। अब बेटा हमारे पास प्लेस कम है इसलिए हम इसको मिटाएंगे, ठीक, आप नोट कर लीजिए, दिख रहा है, ठीक है, सही है। एक मिनट, देखिए अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया था, इसको पूरा पहले कंप्लीट करने दो। यहाँ पे हुआ 132x प्लस 1452, ठीक है, माइनस 132x, ये तो लिखा है ना, अपान उनका मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, करेक्ट। अब इसको हम थोड़ा सा रब करेंगे, जगह बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चीज, यहाँ से मैं इसको आगे ले आता हूँ, ये बन जाएगा, ये कैंसिल, आपने कहा कि ना ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं, पहले इसको लिखेंगे x square plus 11x is equal to 1452, ट्रांसफर कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 को फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करने की आपके पास कई मेथड है, चाहे आप फैक्टराइजेशन का यूज करो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, देखो बेटा इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से लगा दिया, 44 into 33 इक्वल टू 1452 होता है, तो ये आपका बन गया 44x माइनस 33x। अब यहाँ पर दो दो का पेयर बन गया और कॉमन हो जाएगा x, आ जाएगा x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन होगा, x प्लस 44 बातचीत नहीं, और अब आपको x प्लस 44 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहां पर मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू, इसको 0 के बराबर करेंगे तो माइनस 44 आएगा, या और एक्स इक्वल टू 33 आएगा, इक्वल टू 0 करेंगे ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू नॉट पॉसिबल होगी। पता है क्यों नॉट पॉसिबल होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड नेगेटिव में नहीं आ सकता, ठीक है, जैसे हमने
यहाँ पर रिज्यूम किया तो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब x इक्वल टू 33 हुआ, तो हमको निकालना था दोनों की स्पीड फाइनली। सो एवरेज स्पीड ऑफ कौन सा पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू कितना 33 आर किलोमीटर, बार बार आर से किलोमीटर पर आर, ठीक है ना, यहां से। एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर, ये आपका आंसर हो गया। तो हमेशा आंसर वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड में ही लिखा करें, केवल एक्स तक लिख करके ना छोड़ दें। ओके, पिक्चर एकदम क्लियर।